हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। आज हम और एक नया टॉपिक लिनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन लेके लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझते हैं। 2x-3=7। तो ये जो इक्वल साइन है ये हमारा इक्वेशन में आता है। ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि वो दोनों तरफ को इक्वली बैलेंस करता है और ये है इक्वलिटी। करेक्ट, इक्वल साइन जब आ जाएगा वो एक इक्वेशन बन जाएगा। पहले ये क्या था, ये टर्म को लेके एक्सप्रेशन बना था और एक्सप्रेशन के बारे में आप ऑलरेडी 6 या 7 स्टैंडर्ड में जान चुके हैं। तो ये कैसे एक्सप्रेशन बनता है वो भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्सप्रेशंस और जो कि 5x 2x-3, यहाँ पर 2 टर्म आ गया। देखो ये 2 टर्म के बीच एक नेगेटिव साइन है तो इसीलिए मतलब सब्ट्रैक्शन है। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये सिंगल टर्म हो गया। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, x+y+z, ये 3 टर्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जब हमारा एक्सप्रेशन के साथ इक्वल साइन आ जाएगा, देखो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। करेक्ट, इक्वेशन हमारा खत्म, एक्सप्रेशन खत्म, नेक्स्ट वेरिएबल और वो भी वन वेरिएबल। देखो यहां पर एक वन वेरिएबल है, एक्स है, वाई जेड पी क्यू आर, मतलब बहुत सारे वेरिएबल नहीं है। एक वेरिएबल में हम ये इक्वेशन बना रहे हैं और जिसको जिसके पास एक इक्वल साइन है तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इसको बोला जाता है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। और ये इक्वल साइन का लेफ्ट साइड हमारा LHS साइड होगा और ये RHS साइड होगा। तो ये दोनों को LHS एंड RHS को वो बैलेंस करेगा। अरे तो अभी इसके बाद हम क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, जब ये जो इक्वेशन बन रहा है हाँ, तो इक्वेशन हमको दे दिया है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वेरिएबल जो है ना वेरिएबल अलग रखना है। और ये कांस्टेंट हो गया 2x, ये जो x है वो वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है, यहां पर लिख देती हूँ x वेरिएबल और 2 हमारा कांस्टेंट, ये भी सभी को पता है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल मतलब x के जगह जब हम वैल्यू लेंगे ना कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं x के जगह। ओके, तो 2x=, हमको क्या करना है, वेरिएबल को अलग रखना है, कांस्टेंट को एक साइड करना है, मतलब LHS RHS साइड में दोनों साइड के अंदर आपको इधर उधर करना है। तो 2x हमको क्या करना है, 7 है और ये जब माइनस साइन लेके वो राइट को जाएगा वो प्लस साइन हो जाएगा, माइनस जब राइट को जाएगा लेफ्ट से राइट को जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये जो x है 7+3 हमारा 10 है और ये डिवाइडेड हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई हुआ था तो आंसर हमारा 5 आ गया, हुआ कि नहीं? करेक्ट, तो इसी हिसाब से हमको देखो 2x+2=7 भी हो सकता है, प्लस साइन आ गया। क्या करेंगे, 2x=7-2 और x=7-2 कितना, 5 एंड ये 2, ये मल्टीप्लाई हुआ है यहां पर आ जाएगा, राइट को आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, जब डिवीजन पे रहेगा वो राइट को आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो सब अभी हम एक्सरसाइज पे एक एक करके समझेंगे। करेक्ट, एक हो गया, एक हो गया और नेक्स्ट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हम सब एक्सरसाइज में समझ लेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक हम मतलब लिए हैं, बाकी का क्वेश्चन भी हम सारे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, x-2=7, इक्वल साइन है तो एक इक्वेशन है और वन वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमको x माइनस साइन दिया गया,
ये जो -2 लेफ्ट साइड पे है, राइट को आने के लिए जो टर्न बोला जाता है उसको ट्रांसपोज बोला जाता है। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, मेथड वाइज वेरिएबल को अलग रखेंगे और कांस्टेंट को अलग करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 7 पहले से है और -2 राइट को आएगा तो कौन सा साइन लेके आएगा, प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर 9। तो -2 ट्रांसपोज हुआ आरएच साइड को, एलएच साइड पे था, आरएच साइड को आ गया। नेक्स्ट वाई प्लस 3 10, तो सेम वाई इज इक्वल टू, मतलब वेरिएबल को अलग करेंगे, 10 माइनस साइन लेके ट्रांसपोज होगा जो कि आंसर 7। नेक्स्ट 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। ओके, तो वेरिएबल आप किधर भी लिख सकते हो, सॉरी कांस्टेंट और वेरिएबल आप इक्वेशन, मतलब आप इसको जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हो। इसमें कोई भी आंसर के मतलब चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, आप कैसे भी लिख सकते हो। हम डायरेक्टली इसी तरह करते हैं जैसे दिया गया है। तो 6 ये जो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल के पास 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ पर मतलब राइट से लेफ्ट को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, इसीलिए इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, आप कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, उनके हिसाब से हम माइनस करेंगे क्योंकि प्लस साइन है तो वो माइनस साइन लेके आएगा, तो जेड, तो कितना होगा 6 - 2 4 इजिकल टू जेड। फाइनली आप क्या लिख सकते हो, जेड इजिकल टू 4 हुआ ना आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस एक्स एंड 17/7 इक्वल साइन के बाद आरएचएस में ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को भी सेम की तरह करेंगे। देखो एक्स को रखेंगे 17/7 और ये जो 3/7 है लेफ्ट में, राइट को कौन सा साइन लेके आएगा, माइनस साइन। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो डायरेक्टली वो सेम नंबर ही डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 17 - 3 जो कि 14/7, आंसर हमारा 2 आएगा, है कि नहीं, 7 पे 14 कट हो जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6x इज इक्वल टू 12। अगेन हमको, मैं आपको बोली थी पहले कि जब मल्टीप्लाई होके लेफ्ट में रहेगा वो राइट को आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखो x को अलग रखेंगे उसके बाद 12/6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होके था LHS में, वो ट्रांसपोज हुआ तो ये 6 हो गया, मतलब डिवाइड हो गया, तो 6/12 कट हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखो डिवीजन में था, डिवीजन पे है तो आपको T अलग रखना है। देखो वेरिएबल आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो, A to Z तक आपको कोई भी नेमिंग आप ले सकते हो, आपके बुक में T है तो आप T लिखोगे, तो T को हम अलग रखेंगे और ये जो नंबर मतलब कांस्टेंट को अलग रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 यहाँ पर डिवीजन पे था, राइट पे आया, LHS से RHS को आया तो कितना आएगा, 50 हो गया आंसर। नेक्स्ट 2x/3, एक एक स्टेप करके करेंगे। देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी है, डिविजन भी है, तो वेरिएबल के साथ 2 है पहले उसको रखेंगे, ठीक है, उसके बाद 18 ये जो नंबर है ना डिविजन पे, यहाँ पर ले आएंगे, राइट पे ले आएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, इस 2 को राइट पे लाना है, सॉरी 9 2 9 18, तो आंसर हमारा 9 3 27 आ गया। तो एक एक स्टेप करके आपको करना है, एक साथ एक नहीं करना, एक साथ मतलब देखो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है ना, पहले आपको इसको हटाना है उसके बाद उसके साथ जो है उसी नंबर को लेना है, हुआ ना, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट ये डेसिमल पॉइंट में है, कोई भी मतलब टेंशन नहीं है, 1.6 है तो 1. मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 1.6 × 1.5 = y। वेरिएबल आपका राइट पे हो या लेफ्ट पे हो आंसर आपका सेम आना चाहिए, तो 1.6 1.5 हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 5
240 और यहाँ पर दो डिजिट पे है डेसिमल पॉइंट, तो 2.4 होगा, मतलब दो नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा। आप इसको y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5 लिख सकते हो। तो फाइनली y इज इक्वल टू हम मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया 2.4 हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 7x-9। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको पहले एक एक स्टेप करके लेना है, मतलब देखो जिसके साथ वेरिएबल अटैच होके रहेगा, मल्टीप्लाई होके रहेगा, डिवीजन होके रहेगा, उसको सेकंड स्टेप पे लेना। उसके साथ देखो नेगेटिव साइन में जो है या सब्ट्रैक्शन या एडिशन पे जो रहेगा ना, उसी को फर्स्ट ले लेना है। तो क्या करेंगे, 7x को रखेंगे इज इक्वल टू 16। ये माइनस साइन राइट को जाएगा तो प्लस साइन लेके होकर ट्रांसपोज होगा, तो ये 9 और 7x हमारा कितना, x इज इक्वल टू 16 9 कितना 25 और डिवाइडेड बाय 7। यहाँ अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं, देखो 7 हमारा मल्टीप्लाई होके था तो राइट पे आ गया तो डिवीजन हो गया, हुआ 25/7 हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेप देखो 14y, तो इसी को क्या करेंगे, 14y को पहले रखेंगे और ये जो माइनस साइन 13+8 नेक्स्ट स्टेप पे y रहेगा, 13+8 कितना, 21 और डिवाइडेड बाय ये जो 14 था मल्टीप्लाई होके डिवीजन हो जाएगा, इसको 7 पे कट करेंगे 3 और 2, फाइनली हमारा आंसर 3/2 करेक्ट। नेक्स्ट 6p+17, तो 6p को पहले रखेंगे और ये जो कांस्टेंट को हम राइट पे ले आएंगे, 9-17 हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन पे है वो ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू 17-9 होगा क्योंकि 17 से 9 को माइनस करेंगे और 17 का साइन लगाएंगे, कितना आंसर आएगा हमारा -8 और ये जो 6 के साथ मतलब सॉरी पी के साथ 6 है मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, 2 पे इसको कट करेंगे, 2 4 जा 2 3 जा, जो कि -4/3 हमारा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, x/3 को रखेंगे एंड 7 15 है, ये जो कांस्टेंट है इसको ये आके ट्रांसपोज हो जाएगा नेगेटिव साइन लेके, अभी उसको सॉल्व करेंगे, 15 और ये 7 रह जाएगा, ये 15 होगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -8/15 x/3 इक्वल टू -8/15। नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो मैं लिख देती हूँ x/3 इज इक्वल टू -8/15, तो x कितना होगा, -8/15 इंटू ये डिवीजन पे है तो 3 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ये 5 तो आंसर हमारा -8/5 आंसर करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।